Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome back to my channel Civil Engineering Classes. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल के दो पार्ट हो चुके हैं. ठीक है, आज जो चालू कर रहे हैं वो है डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट. तो डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट में मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, सामने आपको दिख रहा होगा. क्या है क्वेश्चन? डिज़ाइन ए लैप जॉइंट. कौन सा जॉइंट डिज़ाइन करना है? लैप जॉइंट. ठीक है, लैप जॉइंट क्या होता है बता चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में, आप देख लीजिएगा. ठीक है, कि जब एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर ओवरलैप करके जोड़ा जाता है तो वो लैप जॉइंट होता है. किससे कनेक्ट है भाई? प्लेट 150 mm बाय 10 mm लिखा हुआ है, जो कि कनेक्ट है कॉलम से. किससे कनेक्ट है? कॉलम से. द जॉइंट शुड बी डिज़ाइन टू डेवलप. जो जॉइंट है उसको डिजाइन करना है किसके लिए करना है? फुल स्ट्रेंथ के लिए होना चाहिए. ठीक है, क्या कैसा होना चाहिए? फुल स्ट्रेंथ होना चाहिए. ठीक है, तो प्लेट मतलब ऐसा डिज़ाइन करो, और प्लेट में रिवेटेड जॉइंट ऐसा डिज़ाइन करो कि वो फुली स्ट्रेंथ हो, यानी अच्छे से लोड को बियर कर सके. जिस पे स्ट्रेस दिखा दिया गया है कि टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दी है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पर शियर में जो स्ट्रेस है वो 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड जो यहाँ पर बियरिंग में स्ट्रेस है वो है 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यहाँ P जो है ये स्ट्रेस को दिखा रहा है, यानी दर्शा रहा है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसमें हमको क्या करना है? रिवेटेड जॉइंट को डिज़ाइन करना है. ठीक है, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है ये आप ध्यान रखिएगा, और क्या दिया हुआ है. ठीक है, प्लेट की साइज दी हुई है और स्ट्रेस दिया हुआ है, यानी हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास रिवेट का डाया नहीं है. ठीक है, तो सारा चीज़ ऐसे जगहों पर जहाँ पर रिवेट का डाया ना दिया हो, है ना, और वहाँ पे डिज़ाइन करना हो, तो दो कंडीशन बनती है. या तो आप प्लेट की थिकनेस से रिवेट का डाया निकाल लीजिए, नॉमिनल डाया. ठीक है, या फिर एज्यूम कर लीजिए शुरू में. ठीक है, दोनों चीज़ कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन क्या बताया मैंने? कि जो रिवेट का डाया है उसको अभी आप क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो. तो आप सबसे पहले नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट एज्यूम कर लीजिए यूजिंग 22 mm रिवेट डाया. ठीक है, तो 22 mm का हम लोग रिवेट ले रहे हैं. तो ये वाला रिवेट का जो डाया है वो क्या बन रहा है? नॉमिनल डाया बन रहा है. तो हम लोगों को नॉमिनल डाया अगर मिल गया है तो ग्रॉस डाया निकल जाएगा. ठीक है, तो निकाल लेते हैं ग्रॉस डाया. क्या बनेगा? ग्रॉस डाया मीटर. ठीक है, इसको डी से दिखा देते हैं. 22 प्लस 1.5 बता चुका हूँ, अगर 25 यानी 26 से कम हुआ तो डेढ़ जोड़ देंगे. ठीक है, 26 या 26 से ज़्यादा हो गया तो दो जोड़ देंगे. ये कितना हो गया? 23.5 mm. अच्छा, अगर यही क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जैसा होता, उसमें डिज़ाइन नहीं होता, क्या उसमें स्ट्रेस वगैरह दिया रहता और वगैरह वगैरह लोड का स्ट्रेंथ निकालना रहता? ठीक है, स्ट्रेस दिया रहता, स्ट्रेंथ निकालना रहता, तब उस कंडीशन में डिज़ाइन का जब क्वेश्चन नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? जो रिवेट होता है वो एक फार्मूले से ला देते हैं. वो फार्मूला मैं भी बता दूंगा. ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा तो. ठीक है, तो उससे ले आते हैं, उसको अनविन का फार्मूला कहते हैं. ठीक है, और लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है डिज़ाइन करना है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये कर लिए, फिर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट हम लोग निकालेंगे. ठीक है, क्या निकालेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट. किस में निकालेंगे? शियर में निकालेंगे. ठीक है, तो लिख लेते हैं इन सिंगल शियर, या शियरिंग भी लिख सकते हैं. सिंगल शियर में निकालेंगे तो क्या होना चाहिए?
जब भी स्ट्रेंथ की बात होगी, यानी आप कह सकते हो ताकत की बात हो रही है, यानी बल की बात हो रही है, यानी फोर्स की बात हो रही है। फोर्स इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस क्या है यहाँ पर? स्ट्रेस आपका जो शियर में गिवन है वो दिया हुआ है पी एस इक्वल टू 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, न्यूटन में है तो इसी में रख लीजिए, न्यूटन में बेटर रहेगा। अब एरिया की बात आती है तो एरिया हम किसका लेंगे? स्ट्रेंथ किसकी देख रहे हैं? रिबिट की, तो रिबिट का ही एरिया कंसीडर कर लेंगे, तो पाई बाय 4 d का स्क्वायर, ठीक है। सपोज आप रिबिट का डाया लेना भूल गए हैं, ग्रॉस डाया, तो जब आप ये सिंगल सीयर या स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो ये पुट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर d रखना है, फाई नहीं रखना है, तो आप फिर बाद में भी रख सकते हैं उस वैल्यू को। तो ये हो जाएगा 23.5 का ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया है इसको कैल्सिस से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ रहा है कैल्सिस सॉल्व करने पर? 11.39036 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में ये आ रहा है। अब बियरिंग के लिए क्या करना है वो भी देख लीजिए। इन बियरिंग, बियरिंग में स्ट्रेंथ निकालना है तो फार्मूला क्या बनता है? dt बनता है, उसके साथ हम लोगों का बनता है, ठीक है, ये एरिया हो गया और आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बियरिंग में क्या रहना चाहिए? PBR, ये PBR, ठीक है, PBR ये हो गया आपका स्ट्रेस, ठीक है। तो डी कितना है? 23.5, टी कितना है? 10, और ये हो जाएगा 270, और ये आपका वैल्यू कुछ दे रहा है लगभग इतना कैल्सी से करने पर, ठीक है। तो ये हमारा रिविट किस में दे दिया? एक बियरिंग में दे दिया और एक किस में दे दिया? शेयरिंग में। दोनों में से जो कम होगा वही हमारा रिविट वैल्यू या रिविट स्ट्रेंथ कहला जाएगी। तो दोनों में कम कौन सा है ना, लीस्ट वन, तो वही हमारा क्या कहला जाएगी? आप रिविट वैल्यू कहला जाएगी। तो लिख लेते हैं रिविट वैल्यू बराबर 39036, ये आपकी क्या हो गई? रिबिट वैल्यू हो गई। अब इस रिबिट वैल्यू का इस्तेमाल करके हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिज़ाइन में हम क्या क्या करते जा रहे हैं। डिज़ाइन में हमने अभी रिबिट वैल्यू निकाल ली है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट भी निकाल लेना है। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, देखिए यहाँ पे दो फार्मूले वर्क करते हैं ना, तो एक करता है बी माइनस एन डी टी, और ये हो जाता है आपका नेट एरिया कह सकते हैं आप, ठीक है, नेट सेक्शन एरिया कह सकते हैं, ये हो गया एरिया, ठीक है। और इधर स्ट्रेस होगा, फार्मूला वही है, एरिया इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होगा? आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की रहती है, तो प्लेट में लोड कौन सा लग रहा है वही वाला स्ट्रेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रहेगा PT आपका जो गिवन है, ठीक है। अगर गिवन नहीं दिया हुआ है PT और आपका ये सारा चीज जो PS है और PBR है, तो मैं आपको ये पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैं लिखता था सिग्मा यानी स्ट्रेस और टाउ यानी शियर स्ट्रेस, ठीक है, और सिग्मा AT लिखता था टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। तो तीनों वैल्यू मैं शुरू में बता चुका हूँ, अगर आप वीडियो में नए हैं तो जाकर पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप याद भी करके रख सकते हैं वैल्यू को, या जो गिवन डेटा है उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी माइनस एन डी टी, अच्छा एक और बन जाता है एस माइनस एन डी टी, एस हो जाता है आपका पिच, ठीक है। तो यहाँ पर बी इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि आपके पास प्लेट की जो साइज है वो 150 बाय 10 दिया हुआ है। ये क्या है? प्लेट की साइज है, जब प्लेट की साइज है तो ये क्या है? विड्थ है, और ये क्या है? आपकी थिकनेस है। तो 150 आपको मिल चुका है,
अब आते हैं एन के बारे में, बात करते हैं कि एन कितना रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ लेते हैं। और उसके बाद आपका डी, डी कितना है, डी 23 पॉइंट आपका है 5। ठीक है, ये देख लेते हैं। और टी कितना है, 10 है। और आपका पीटी कितना है, वो पीछे कितना गिवन है ये देख लेते हैं पहले। तो आप देखेंगे कि पीटी आपका 150 गिवन है, तो यहाँ पर 150 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सारे वैल्यू रखना है। रही बात एन की, एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिविट कह लीजिए या जो होल है, नंबर ऑफ रिविट होल तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जब लोड दिया होता है क्वेश्चन में, तब आप लोड से रिविट वैल्यू का, रिविट स्ट्रेंथ से डिवाइड करके आप ला सकते थे। ठीक है, कितने रिविट लगेंगे। अभी मान लेते हैं कि दो रिविट होल हैं, तो दो रिविट होल है तो नंबर ऑफ रिविट एक लाइन में दो लग जाएंगे। एक लाइन में कितने लग जाएंगे, दो लग सकते हैं। ठीक है, तो अभी दो रिविट होल मान लेते हैं, तो एन बराबर क्या है, 2। ये क्या है, कंसीडर 2 रिविट होल। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, डी 23.5 हो जाएगा, टी 10 और पीटी कितना है, 150 है। इसका आंसर निकल के आ जाएगा, कैलसी से आप कर लीजिएगा, ये आ रहा है 15450 न्यूटन। ठीक है, अब नंबर ऑफ, ये तो जो था ये होल बता दिया है, अब आपको रिविट कितना लग जाएगा टोटल, क्योंकि आपके डायग्राम कैसा बन रहा है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डायग्राम कैसा बन रहा है अभी बता देता हूँ, ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये आपका हो जाएगा कॉलम के लिए सेक्शन, ये कॉलम का सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, और ये वो प्लेट लगी हुई है कॉलम। ठीक है, ये चीज, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेस वर्क कर रहा है, और ये आपका हो जाएगा सेंटर। अब आपको नंबर ऑफ रिविट निकालना है जो यहाँ पर पूरे में लग जाएंगे, और होल कितना कंसिडर किया आपने, 2। ठीक है, एक एक ये पूरे प्लेट के विड्थ में 2 होल कंसिडर किया गया है। तो नंबर ऑफ रिविट, नंबर ऑफ रिविट कैसे निकालते हैं, ये जो आपका आया है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आई है, उस प्लेट में या उस प्लेट की वैल्यू ऊपर रख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए रिविट वैल्यू से, आरबी से, यानी 154500 डिवाइडेड बाय आरबी 39036 था, तो ये हो जाएगा 4, 4 नंबर। ठीक है, मतलब 4 लग जाएंगे, यहाँ पे रिविट होल 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी ये कितने हो गए, 4 हो गए। तो रिविट आपको यहाँ पर रिविट दे, ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा, तो ये हो गए आपके रिविट 22 mm का डाया। ठीक है, और ये प्लेट साइज हो गया कितने का, 150 by 10 mm। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन हो गया, जो सिंपल से डिजाइन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हमने क्वेश्चन लिख लिया है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिविट। इसमें नंबर ऑफ रिविट आपको निकालना है। ठीक है, और क्या चीज है, ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ए टेंशन मेंबर, किससे कनेक्ट करना है, जरूरत किससे, टेंशन मेंबर से। ठीक है, और ये क्या है, रूफ ट्रस की बात की जा रही है, यानी जो आपका छत है, अब वो छत किसका है, ट्रस का है। ठीक है, रूफ ट्रस है, यानी फ्लैट वाला स्लैब नहीं है, ये कैसा है, कुछ ऐसा वाला है। आप ये कहाँ देखने को मिलेगा, गोदाम में देख लीजिए, ठीक है, रेलवे स्टेशन में देख लीजिए, आपको आराम से ये मिल जाएगा। तो ये जो ट्रस है, ठीक है, तो रूफ ट्रस के बारे में बात की गई है, तो ये जो स्टील का ट्रस बना हुआ है, ठीक है, स्टील का जो ट्रस बना हुआ है उसमें गैजेट प्लेट के बारे में बात की गई, जिस प्लेट से जोड़ा गया है, भाई यहाँ पर जो प्लेट लगी रहती है ना, जिससे ये 2-3 मेंबर जोड़े जाते हैं, उसको गैजेट प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो गैजेट प्लेट 6 mm थिक है। ठीक है, उसकी मोटाई कितनी, थिकनेस कितनी, 6 mm की।
टेंशन मेंबर इज फ्लैट, ये पट्टी है। फ्लैट क्या होता है? पट्टी होता है, ठीक है, पतली पतली, ये ऐसे कुछ पट्टी होंगी, इसी को फ्लैट बोले हैं, जिसके साइज है 75 बाई 6, ठीक है, एंड इज सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 48 किलो न्यूटन। पुल क्या होता है? अब पुश आपको पता ही होगा, पुल यानी खींचना। तो जब कोई चीज खींची जाएगी तो उसमें क्या काम करेगा? टेंशन, तो इसीलिए वो टेंशन मेंबर है, ठीक है, तनाव बल इसमें काम करता है, इसीलिए ये क्या है? टेंशन मेंबर है। तो इसमें 48 किलो न्यूटन का पुल इस प्लेट में आ रहा है, ठीक है, इसमें पहले से बता दिया और बोला 16 mm का आप क्या करिए, डाया, 16 mm का डाया का रिविट इस्तेमाल करिए। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, बिना देरी किए हुए। सॉल्यूशन, तो नॉमिनल डाया क्या हो गया? 16 mm, और ग्रॉस डाया क्या हो गया? 16 + 1.5 = 17.5 mm। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिविट क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ रिविट किसमें देख रहे हैं? शियर में देख लीजिए, पहले इन सिंगल शियर, ये हो जाएगी आपका एरिया 5/4 d² बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, और यहाँ पे स्ट्रेस PS है, ठीक है, आप सिग्मा टाउ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/4 और 17.5 का स्क्वायर, ठीक है, 5/4 17.5 का स्क्वायर इंटू PS, यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर आपके पेपर में गिवन है ठीक है, नहीं गिवन है आपको क्या करना है, अपने से रखना है। तो पहले क्वेश्चन में देख लेंगे कि ये क्वेश्चन में कहीं बोला है रिविट कैसा होगा, पावर ड्रिवन होगा, हैंड ड्रिवन होगा, शॉप वाला होगा, फील्ड वाला, नहीं बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यू लिए थे वही वैल्यू इसमें भी ले ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर में बोल देता है कि ये पावर ड्रिवन है तो 100 ले लीजिएगा। अभी ये पिछले क्वेश्चन वाला उतार लेते हैं, 90, तो ये हो जाएगा 21। अब बियरिंग में देख लीजिए, इन बियरिंग, तो बियरिंग में क्या करते हैं पता ही है, DT इंटू आपका जो PBR है, तो ये P नहीं है, प्रेशर है, स्ट्रेस, ठीक है। तो D कितना है? D आपका है 17.5, T कितना है? 6 mm का है ना, प्लेट गैजेट प्लेट वही है, ठीक है, वही सेम टू सेम वैल्यू रख रहे हैं जो पिछले में हमने रखा था। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई। अब इन दोनों में रिविट वैल्यू क्या बनी? रिविट वैल्यू आपकी बनी 21,647, जो कम था, ठीक है, ये बन गया रिविट वैल्यू। देखिए, अगर पेपर में ये जो पुल है 48 किलो न्यूटन ना दिया रहेगा, अभी तो दिया है, नहीं दिया रहता तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल लेते और निकाल के फिर रिविट वैल्यू से डिवाइड करते तो नंबर ऑफ रिविट आता। यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब हमको पता है कि इतना तो उसमें लगना ही लगना है, तो फिर हम लोगों को डायरेक्ट इसी से निकाल लेना है। अपने को स्ट्रेंथ ऑफ जो प्लेट है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाले हैं B-NDT करके, σAT करके, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप नंबर ऑफ रिविट ऐसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिविट्स कैसे निकाल सकते हैं? जो आपके पुल पुल दिया हुआ है, पुल लोड बटा आपका RV, रिविट वैल्यू, तो 48 किलो न्यूटन में न्यूटन बदल लो और ये आ जाएगा 21,647, किसी में भी रख सकते हैं, कोई सी भी यूनिट है, तो ये 3 नंबर यानी 3 ठो लगेंगे। तो इसकी ड्राफ्टिंग क्या बन जाएगी, कैसे दिखेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, काफ़ी फायदेमंद है। एक बार एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन पर, दिखने में बड़ा है कुछ नहीं, ठीक है। अब इसके ड्राफ्टिंग में देख लीजिए क्या बनेगा। तो ये एक प्लेट है, ये कोई प्लेट है जो कि किससे जुड़ा हुआ है? गैजेट प्लेट से, ये आपकी होगी गैजेट प्लेट, ठीक है, गैजेट प्लेट से, और गैजेट प्लेट से जुड़ने के बाद कितने रिविट लगे हैं उसमें? 3, 2, 3, अभी तो हम लोग देखें 3 रिविट लगे हैं, ठीक है, और ये सेंटर से एक लाइन गुजार दी गया, ठीक है, 3 रिविट लग गए, ये आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है गैजेट प्लेट 6 mm, ठीक है,
और ये रिवेट है, रिवेट जिसका डाया है 16 mm का है, नंबर आपको पता ही है। ये आपका फ्लैट है जो है 75 बाई 6 mm का है, ठीक है, ये भी सेम है। हाँ, अब इसमें आपको जो चीज़ आपके हिसाब से लगता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना ही सॉल्व करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है 2 प्लेट। कितने प्लेट? 2 प्लेट जिसमें 10 mm की थिकनेस बताई गई है, ज्वाइन किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है, डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट से। किसे जोड़ा गया है? बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है? किसी चीज को आमने सामने, दो मेंबर को आमने सामने जब जोड़ा जाए, ये एक मेंबर हो गया और ये एक मेंबर हो गया, आमने सामने जोड़ा गया और इसमें आपने लगा दिया एक कवर ऊपर और एक कवर नीचे, ठीक है, ये क्या बन गया आपका? डबल कवर, डबल रिवेटेड बट जॉइंट, ठीक है। तो डबल रिवेटेड, एक रिवेट यहाँ, एक रिवेट यहाँ, ठीक है, एक साइड पे दो रिवेट को तो कहेंगे डबल रिवेटेड, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा, सपोज ये, ठीक है, ऐसा कुछ है। इसमें आपका ये स्ट्रेस वर्क करेगा और ये स्ट्रेस वर्क करेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि डबल कवर डबल रिवेटेड बट जॉइंट है जिसमें 20 mm का रिवेट लगाया गया है, डिजाइन क्या कीजिए? पिच ऑफ रिवेट, इसकी पिच क्या होगी जो आप लगा रहे, सजा रहे हो रिवेट को, उसके बीच में दूरी पिच की क्या होगी, ये निकालना है। और इसमें पीटी यानी टेंसाइल जो स्ट्रेस है वो 150 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से जितना सॉल्व हो जाए, तो सॉल्व करेंगे। गिवन डेटा है, ये दिया हुआ है 20 mm, ठीक है, ये देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो डी कितना हो जाएगा? 20 + 1.5, 21.5 mm, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी। अच्छा, अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, है ना। स्ट्रेंथ इसमें शियर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बताइए कि डबल सिंगल रिवेट है एक रो में कि डबल है? डबल है, तो डबल शियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल शियर। तो डबल शियर की बात होगी तो 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी एरिया इंटू स्ट्रेस, सेम फार्मूला, π/4 डी का स्क्वायर इंटू स्ट्रेस की बात की जाएगी, वही पीएस आप लगा देंगे, ठीक है, पीएस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2 × π/4, 21.5 का स्क्वायर। अब ये पीएस की बात आ रही है, बार बार बता रहा हूँ, ये स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है। तो आप शियर स्ट्रेस या तो 100 रख लीजिए पावर ड्रिवन वाला, या तो फिर हैंड ड्रिवन वाला 90 रख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि कौन सा पावर ड्रिवन यूज करना है या हैंड ड्रिवन यूज करना है, ठीक है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं अभी। तो ये हो जाएगा 65,350 न्यूटन। ये अब बियरिंग में देख लेते हैं, इन बियरिंग, इन बियरिंग, तो बियरिंग किसकी बात की जा रही है? इन बियरिंग ऑफ रिवेट प्लेट, है ना, तो जो प्लेट लगी है, तो बियरिंग में आपका क्या हो जाएगा? डी टी और पी बी आर, 21.5 × 10 × 270, ठीक है, तो ये आ जा रहा 58,050 न्यूटन। तो रिवेट वैल्यू क्या बनी? जो सबसे कम होगी, जो सबसे कम है वो आपकी क्या है? रिवेट वैल्यू है। तो हमारे सामने यही आ जाएगा 58,050 न्यूटन, ठीक है, तो ये अपनी रिवेट वैल्यू हो गई। अब हम लोग को क्या क्या निकालना है, क्या बनाना है? पिच बनाना है, ठीक है, तो बना लेते हैं, एक सेकेंड। तो
जो पिच बनाना है, तो पिच बनाने से पहले समझिए कि हमारे जो पास जो फिगर था अभी जो मैंने बनाया पेंसिल से, ठीक है, यहाँ पर दो रिविट लगा हुआ है, यानी इनके बीच में जो लेंथ होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, कुछ ऐसी डिस्टेंस जो आएगी वही पिच कहलाएगी। तो यही चीज़ निकालना है, तो हमको पता है कि दो रिविट है। क्या पता है? दो रिविट है, एक साइड में दो रिविट है। तो एज एज देयर आर टू रिवेट्स इन वन पिच लेंथ ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच, हम लोग क्या पता था, एज देयर आर टू रिविट इन वन पिच लेंथ ऑफ द जॉइंट, दो रिविट लगा है तो स्ट्रेंथ ऑफ रिविट पर पिच लेंथ क्या हो जाएगी, तो दो से गुणा कर देंगे किसमें जो रिविट वैल्यू आई है, तो 58050 ये कर देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसा, ठीक है, ये आ गई। अब आप स्ट्रेंथ ऑफ द जो रिविट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का जो फार्मूला था उसको आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका पिच आ जाएगा। तो मैंने बोला कि दो फार्मूले हैं, एक स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, एक है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ठीक है, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट वाला फार्मूला, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट क्या बन रहा है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट याद आ रहा होगा, एस माइनस एन डी टी मैं बता चुका हूँ, और ये हो जाएगा इंटू पी टी, है ना। और यहाँ पर आप स्ट्रेंथ की वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो पर पिच लेंथ आई है वो कितनी आई है, 116 पॉइंट पॉइंट, नहीं कॉमा लगा लीजिए क्योंकि आप न्यूटन में उसको कर रहे हैं, है ना, वो किलो न्यूटन में था। तो ये आपका एस है, जो यही आपका क्या है, पिच है, पी भी लिख सकते हैं एस भी, लेकिन एस लिखिए ज़्यादा बेटर है ना। तो आपका यहाँ पर से अब जो जो गिवेन है उसको रख लीजिए, जो गिवेन नहीं है उसको देख लेते हैं। तो 116 एस निकालना है, रही बात एन की, तो एन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो वन लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा 21.5 इंटू थिकनेस कितनी है, 10 की है, और बीटी कितना है, इतने की है, ठीक है। टी आप प्लेट का जो थिकनेस है वो चीज रख लेंगे। अब ये क्या बनेगा, एस बराबर कुछ वैल्यू आ जाएगी 7 पॉइंट इतना, कैलसी से सॉल्व करने पर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है इसमें आप एक सेकेंड, इसमें ये -21 भी करना था, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो 21.5 एस इक्वल टू हो जाएगा 98.9, ठीक है। तो हम लोग लगभग आ रहा 100 के आसपास, तो 100 mm का हम लोग पिच क्या कर लेंगे, लगाएंगे। तो यूज अ पिच ऑफ 100 mm, ठीक है। तो ये हमारा पिच डिजाइन हो गया, यही आंसर था, ठीक है, यही डिज़ाइन हम लोग कर लिए हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन, जो भी तीन क्वेश्चन करा दिए, लगभग तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह आपके पास जितने क्वेश्चन हैं आप उसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए, बार बार आपको बनेंगे। तो कुछ चीज़ मैं बोला था कि अगर क्वेश्चन में आपके क्या ना दिया हो, अगर नॉमिनल डायर ना दिया हो, तो आप अनगिन फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बोला था, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, वो बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। जब क्या ना दिया हो, फाइव ना दिया हो, तब क्या लगा सकते हैं, अन विंस फार्मूला। क्वेश्चन में बहुत सारे जगहों पे नहीं दिया रहता है, ठीक है, डिजाइन वाले बस में लेट करेंगे, लेट यानी सपोज कर लेंगे, मान लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ जाएगा। तो वो कैसे निकल जाता है, फाइव बराबर हो जाता है 6.01 कह सकते हो, या 0.5 कह सकते हो, अंडर रूट टी। ये क्या है, थिकनेस ऑफ जो आपके पास प्लेट दी हुई है या गैजेट प्लेट दी हुई है, उस प्लेट की थिकनेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ प्लेट ये लगा सकते हैं आप, ठीक है, अनविन फार्मूला। और जो एक चीज़ और है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो फार्मूला क्या चीज़ है, नंबर ऑफ
रिवेट किस वाले क्वेश्चन के लिए है ये? जो हम लोग वाला क्वेश्चन कर रहे थे, कॉलम में प्लेट लगा रहे थे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सेंट्रिसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिविट कुछ इस तरह से ला सकते हैं, 6m अपॉन एस एन डैश आर बी। एम क्या है? मोमेंट है, ठीक है। मोमेंट कैसा था? पी इंटू ई या डब्ल्यू इंटू ई, दोनों में इसको एक लगा सकते थे। सेंट्रिसिटी था ई, आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर चले जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा पी और डब्ल्यू क्या था। और एस है यहाँ पर पिच है, एस क्या है? पिच है। और एन डैश क्या है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर एक दो, सपोज ये दो रिविट थे, कितने हैं? दो रिविट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये गेज डिस्टेंस है, तो ये कितना हुआ? ये हाफ और ये हाफ, वन हुआ, ठीक है। तो ये एन डैश क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अगर एक और रिविट बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक है। इधर भी वन हो जाएगा, तो ये एन डैश ऐसे आ जाएगा। और रही बात आर बी, आपको पता चल गया है रिविट वैल्यू है, ये क्या है? रिविट वैल्यू। तो इस तरह से करके सॉल्व हो जाएगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, ताकि आपको क्लियर रहेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और भी क्वेश्चन आप अपने से लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ ना बने कमेंट करिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।